पीएम मोदी ने सूरत के छात्रों को कौन सी सौगात दी है? सिंघू बॉर्डर पर बर्बर हत्याकांड से कैसे हड़कंप मच गया? लखीमपुर केस में एसआईटी ने कहां से बरामद किया हथियार? और आर्यन खान की शाहरुख गौरी से कैसे हुई है बात? राष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 देश की बात। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा बनाए गए हॉस्टल के एक फेज का भूमि पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की तस्वीर बदल रही है। बेटे बेटियों को आपके इन प्रयासों से एक नई दिशा मिलेगी। सिंघू बॉर्डर पर आज किसान मोर्चा के मंच के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक की पहले जमकर पिटाई की गई और फिर बेरहमी से उसका हाथ काट कर शव बैरिकेड पर लटका दिया गया। अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तरन तारण निवासी लखबीर की सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या को लेकर एडीजीपी संदीप खिरवार ने कहा कि हत्याकांड की जगह से कुछ सुराग मिले हैं। सभी आरोपी पुलिस के रडार पर हैं। तथ्य जुटाकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर हुए नृशंस हत्याकांड को लेकर मचे बवाल पर किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा इस घटना से किसान मोर्चे का कोई संबंध नहीं है। आरोपियों को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। अंडमान निकोबार के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने आज सेलुलर जेल का दौरा किया। यहां अमित शाह ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी। शाह अपने 3 दिन के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लखीमपुर केस में आरोपी बनाए गए अंकित दास के लाइसेंसी हथियार की बरामदगी के लिए एसआईटी आज अंकित को लेकर उसके लखनऊ स्थित फ्लैट पर पहुंची। मीडिया के सवालों पर अंकित ने खुद को निर्दोष बताया। फिलहाल अंकित दास 17 अक्टूबर तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित होने के बाद आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन ने अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल के जरिए बात की। फिलहाल 20 अक्टूबर तक आर्यन को जेल में ही रहना होगा। मुंबई में नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में जुटी एनसीबी की टीम ने आज कुर्ला से एक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 210 ग्राम ड्रग्स मिली है जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मेडिकल स्टोर संचालक के सुसाइड मामले में बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सौरभ साहू ने अपने सुसाइड लेटर और वीडियो में विधायक के करीबियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष आरोप।